नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फ्री में। देखिए, आज मैं आपके लिए जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसका उत्तर होगा कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर दो, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 20 मार्च। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में होते हैं को कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा हेलोफाइट्स। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर चार, सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मिट्टी के तेल में। क्वेश्चन नंबर पांच, विडाल टेस्ट के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? उत्तर होगा टाइफाइड का। विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड बीमारी का उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर छह, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? उत्तर होगा सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर बनी है। क्वेश्चन नंबर सात, असोल आप प्रसिद्ध खेल है? उत्तर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप का। असोल आप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का प्रसिद्ध खेल है। क्वेश्चन नंबर आठ, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्वदेश निर्मित है? भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्वदेश निर्मित है? उत्तर होगा कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन। क्वेश्चन नंबर नौ, चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? उत्तर होगा अवसादी चट्टान का। क्वेश्चन नंबर दस, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? उत्तर होगा 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? उत्तर होगा कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा तलवंडी में। अब यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपको ऑप्शन में तलवंडी नहीं मिलता है तो आपको उत्तर देना है ननकाना। क्वेश्चन नंबर 14, जनगणना 2011 का नारा था? जनगणना 2011 का नारा था? तो उत्तर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का नारा था। क्वेश्चन नंबर 15, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? उत्तर होगा केवल दो कोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय गन्ना शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटेन ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? उत्तर होगा लगभग 200 वर्ष। ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्ष शासन किया। क्वेश्चन नंबर 20, टीका या टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? उत्तर होगा मूंगफली से। टीका या टिक्का बीमारी मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? उत्तर होगा लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 23, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है? उत्तर होगा NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 है। क्वेश्चन नंबर 24,
नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उत्तर होगा NaCl. NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है. क्वेश्चन नंबर 25, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? उत्तर होगा विषाणु द्वारा. क्वेश्चन नंबर 26, टीबी नामक बीमारी किससे होती है? टीबी नामक बीमारी किससे होती है? उत्तर होगा बैक्टीरिया से. क्वेश्चन नंबर 27, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा बैडमिंटन से. क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का समावेश किस वर्ष किया गया? भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का समावेश किस वर्ष किया गया? उत्तर होगा 1976 में. क्वेश्चन नंबर 29, गांधी बिफोर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा रामचंद्र गुहा. गांधी बिफोर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं. क्वेश्चन नंबर 30, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? उत्तर होगा दयानंद सरस्वती को. क्वेश्चन नंबर 31, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग. क्वेश्चन नंबर 32, आईटी का पूरा नाम क्या है? आईटी का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 33, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? उत्तर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. क्वेश्चन नंबर 34, दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों के दांतों की जांच करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? उत्तर होगा अवतल दर्पण. दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों के दांतों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 35, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST विधेयक कब पास हुआ? भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST विधेयक कब पास हुआ? उत्तर होगा 3 अगस्त 2016 को. क्वेश्चन नंबर 36, पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह है? उत्तर होगा स्वयं भोजन बनाते हैं. पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे स्वयं भोजन बनाते हैं. क्वेश्चन 37, स्वाइन फ्लू को जाना जाता है? स्वाइन फ्लू को जाना जाता है? उत्तर होगा एनुफ्लुएंजा H1N1 के नाम से. क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तर होगा नई दिल्ली 2016 में 2 से 6 सितंबर तक. क्वेश्चन नंबर 39, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से. तारे प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से टिमटिमाते हैं. क्वेश्चन नंबर 40, पहल योजना का संबंध किससे है? पहल योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर होगा रसोई गैस से. LPG पर मिलने वाली सब्सिडी यानी सहायता राशि डायरेक्ट बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है. इस योजना का संबंध LPG पर मिलने वाली छूट से है. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. धन्यवाद.